तकरीबन 111 साल पहले अटलांटिक महासागर में डूबे जहाज टाइटैनिक का कबाड़ देखने की हसरत पाले गहरे समुंदर पर गए 5 अरबपतियों की जान चली गई, जिसमें खुद पनडुब्बी के मालिक तक शामिल हैं। तो ही अब इनके साथ आखिरी पलों में क्या हुआ या फिर यह हादसा क्यों हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। यानी लकीर पीटी जा रही, समुद्र की गहराई में हादसे का शिकार हुए टाइटन पनडुब्बी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही। तमाम विशेषज्ञ अलग अलग बातें कह रहे हैं। पनडुब्बी के मलबे की तलाश में जुटी टीम को हालांकि एक बड़ी सफलता मिली। अमरीका के कोस्ट गार्ड को कुछ अवशेष मिले हैं, जिसको देखकर माना जा रहा है कि ये उसी पनडुब्बी के अवशेष हैं जो डूबी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ऐलान किया है कि उन्हें टाइटैनिक के पास एक मलबा मिला है। आशंका जताई जा रही कि यह मलबा और लापता टाइटन पनडुब्बी का हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि अमरीकी कोस्ट गार्ड ने यह बताया है कि मलबे का एक रिमोटली यानी रिमोट से चलने वाले एक व्हीकल की खोज लिया गया है। इस छानबीन में जुटी हुई टीम मलबे की अब विस्तृत जांच कर रही, जल्दी इस मलबे के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने आएगी। आपको बता दें, कई दिनों की तलाशी अभियान के बाद शुक्रवार की सुबह पनडुब्बी का मलबा मिला और पनडुब्बी के हादसे का शिकार होने के पीछे विशेषज्ञ कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि इसके सही कारण कब तक पता नहीं चला है। समुद्र की सतह में मौजूद पनडुब्बी टुकड़ों में इकट्ठा की जा रही है और ये सफलता समुद्र तल से तकरीबन 3800 मीटर की गहराई में यानी 3.8 किलोमीटर की गहराई पर मिली, जहां पर एक रिमोट से पनडुब्बी के मलबे को खोजा गया है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन माउगर ने कहा है कि डूबे हुए टाइटैनिक जहाज से 1600 फीट की दूरी पर पनडुब्बी का मलबा मिला है। हादसे का कारण क्या है, इसकी जाँच की जा रही। हालांकि जो अनुमान है उसके मुताबिक प्रेशर चैम्बर की खराबी को इसकी वजह माना जा रहा है। वहीं बीबीसी के एक रिपोर्ट बताती है, जिन्होंने डेविड मनर्स के नाम से एक विशेषज्ञ से बात की, उसके मुताबिक मलबे में टाइटन पनडुब्बी के लैंडिंग फ्रेम और समर्सिबल का पिछला कवर मिला है। मर्स एक्सप्लोरर क्लब के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने मलबे में टाइटन पनडुब्बी के टुकड़े शामिल हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक पनडुब्बी के मलबे को लेकर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। एक्सपर्ट्स का हालांकि यह कहना कि एक छोटी गड़बड़ी भी इस बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। उन्होंने यहां तक कहा है कि जिस गहराई में मलबा मिला है वहां धरती से ज़्यादा यानी 380 गुना ज़्यादा दबाव होता है। उनका मानना है कि पनडुब्बी की पतवार यानी जो पीछे हल लगा होता है वो दबाव नहीं झेल सका होगा और ऐसे में उसके नट बोल्ट और जोड़ टूट गए होंगे। इस हादसे को गोंद को भी जो समुद्री गोंद होती है उसको भी वजह माना जा रहा है, क्योंकि टाइटेनियम कैप फाइबर से बना हुआ था और सिरों से गोंद के जरिए चिपके हुए थे। दबाव और तापमान में बार बार उतार चढ़ाव होता है, ऐसे में निरीक्षण की ज़रूरत होती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि आखिर पनडुब्बी की हर डुबकी के बाद किस तरह की जांच की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पनडुब्बी का आकार भी हादसे का कारण हो सकता है। टाइटन एक सामान्य कार्बन फाइबर ट्यूब थी जिसके अंत पर टाइटेनिक का एक ढक्कन था। ये गहराई तक जाने वाली बाकी पनडुब्बियों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसका आकार बेहद बड़ा और गोल होता है, ताकि प्रेशर पूरे ढांचे पर सामान्य रहे। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट की माने तो इस हादसे में मरने वालों में उनके सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, पॉल हेनरी, नार्जियो लेट पाकिस्तानी अरबपति, शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान शामिल है। इस हादसे में जिस तरह से अब मलबा मिला है उसके बाद माना जा रहा है कि इस हादसे के बाद अब ऐसा कोई भी मिशन फिलहाल नहीं होगा और इस हादसे की असल वजह क्या है इस मलबे से पता चल पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।